हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट फैब्रिक में 32 साइज प्रकट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, तो हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए फैब्रिक को टू फोल्डिंग करके लेना है। टू फोल्डिंग करके लेने के बाद देखिए फैब्रिक को इतना तक ही फोल्डिंग करना है। आपका ब्लाउज जितना साइज का भी हो उसी के साथ एक्स्ट्रा कितने इंच तक रखना है ये ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए किनारे से इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है। ये देखिए किनारे का फैब्रिक को यहाँ पर जितना तक चाहिए मैंने उतना तक ही रखूँगी। तो चलिए अभी लंबाई लेना है। लंबाई देखिए हमेशा अपने हाइट के अनुसार ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का लंबाई होगा, यहाँ से देखिए टोटल यहाँ पर 14.5 इंच तक होगा। ब्लाउज तैयार होगा 13.5 इंच तक। तो चलिए यहाँ से देखिए शोल्डर के लिए मेजरमेंट लेना है। शोल्डर देखिए यहाँ से कितने इंच तक लेना है, यहाँ से 5 इंच तक रखूँगी। तो चलिए यहाँ पर ब्लाउज का नेक लाइन रखूँगी 2 इंच से, यहाँ पर 2 सूट कम लिया है। और चलिए आर्म होल रखूँगी यहाँ से 5.5 इंच तक, इसका आर्म होल रखूँगी। तो चलिए यहाँ से बराबर 5 इंच तक मिलाकर दूंगी। तो चलिए अभी ब्लाउज का चेस्ट लेना है। जैसे कि ये 32 साइज है तो यहाँ पर देखिए 32 का चौथा हिस्सा यहाँ पर देखिए 8 इंच तक आता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए यहाँ पर 2 इंच तक रखूँगी। तो चलिए यहाँ से 1 इंच तक रखूँगी आर्म होल का शेप। तो ब्लाउज का कमर का मेजरमेंट कैसे लेना है, देखिए चेस्ट में जितने इंच तक मिलता है वहाँ से कमर में 1 इंच तक कम लेना है। तो यहाँ पर मैंने कमर में 1 इंच तक कम ले लिया। तो चलिए अभी यहाँ पर ब्लाउज का नेक डीप लूँगी। नेक डीप देखिए कितने इंच तक लेना है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को जितना इंच तक नेक डीप लेना है, जैसे 9 इंच 10 इंच इस तरीके से ले सकती हो, फिर भी इसका शोल्डर नहीं गिरेगा। मैं यहाँ पर देखिए तो 8 इंच का नेक डीप ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जिस तरीके से ब्लाउज कटिंग करने का तरीका बता रहे हैं, आप लोग भी ठीक उसी तरीके से कटिंग करने से आपका ब्लाउज का शोल्डर भी नहीं गिरने लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए बैक पार्ट का कटिंग यहाँ पर कर लिया है, तो अभी देखिए नेक का कटिंग करूँगी यहाँ से। चलिए फ्रंट पार्ट काट करने के लिए यहाँ पर देखिए जो कटा हुआ बैक पार्ट है इसका ऊपर में यहाँ पर पिसाना है। तो देखिए किस तरीके से पिसाना है, जैसे कि अर्बुल का साइड को यहाँ पर देखिए जॉइन साइड की तरफ से रखना है और नेक का साइड को देखिए ओपन साइड की तरफ से रखना है। तो चलिए इसी के हिसाब से पहले यहाँ पर निशाना लगाया जाए। देखिए बैक पार्ट के हिसाब से निशाना लगा लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से हाफ इंच के लगभग यहाँ पर शेप लगाऊंगी, देखिए फ्रंट साइड के आर्म होल के साइड की तरफ से। तो चलिए फ्रंट साइड का नेक का डीप लेना है। यहाँ पर देखिए नॉर्मली नेक यहाँ पर 7 इंच तक ही होता है, तो चलिए यहाँ पर 7 इंच का नेक रखूंगी। और यहाँ पर देखिए 5.5 इंच में और एक निशाना लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारा बस पॉइंट लेने में काम आएगा जो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच तक निशाना लगाया है। तो ब्रैकेट ब्लाउज की सिलाई में यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फ्रंट साइड की तरफ से ज़्यादा 2 इंच तक लेना है। अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा 2 इंच नहीं लेने से ये ब्लाउज फ्रंट साइड की तरफ से बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो फैब्रिक कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें से ध्यान में रखना है 2 इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से नेक का चौड़ा 3 इंच तक लिया है। फिर इसको देखिए यहाँ से बस पॉइंट का मेजरमेंट लूँगी, यहाँ से देखिए 5 इंच तक रखूँगी 32 साइज के लिए। तो इसलिए कतरी के लिए मेजरमेंट लूँगी, यहाँ पर देखिए 32 साइज के लिए 6.5 इंच तक रखूँगी और एक्स्ट्रा 1 इंच, तो टोटल यहाँ पर 7.5 इंच। और साइज से देखिए 4.5 इंच तक बराबर होना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए अभी कतरी का मेजरमेंट जितना इंच भी मिला है इसी को हाफ कर लूँगी। तो यहाँ तक आता है इसका हाफ।
दरअसल ये अभी यहाँ पर देखिए कतूर के सेब कितने इंच तक लेना है। यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, हाफ इंच का सेब दूंगी और यहाँ से भी हाफ इंच का सेब दूंगी। तो दोनों पॉइंट को जहाँ से हाफ किया है वहाँ से मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कितने इंच तक लेना है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 2.5 इंच से एक सूट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से इस पॉइंट को थोड़ा आइडिया लगा कर मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर नेक का शेप लगाना है फ्रंट साइड की तरफ से। ये देखिए इस तरीके से नेक का शेप लगा दिया है। तो चलिए अभी यहाँ से भी और एक कतरे के लिए मेजरमेंट लेना है। ये मैं देखिए 4 इंच तक रखूँगी और यहाँ से देखिए इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद देखिए यहाँ से हाफ इंच तक डाउन करूँगी और यहाँ से देखिए 1 इंच से 2 सूट ज़्यादा यहाँ से रखूँगी। फिर जहाँ से हाफ किया है वहाँ से भी इस पॉइंट को मिला दूँगी। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कितने इंच तक है। ये देखिए यहाँ से बराबर है, तो इस साइड से देखिए 2.5 इंच तक रखूँगी। तो चलिए अभी यहाँ पर देखिए कितने इंच तक लेना है। ये मैं 5.5 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ से 5.5 इंच लेने के बाद इसको थोड़ा तिरछा टाइप से मिला देना है। फ्रंट साइड का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है और ये देखिए मैंने युग पट्टी काट कर लिया है और इसका लंबाई देखिए कितने इंच है। यहाँ से 6.5 इंच तक है और बीच में से देखिए 5.5 इंच और यहाँ से देखिए 6 इंच तक है। इसी के हिसाब से मैंने काट किया है और इसका चौड़ा बैक पार्ट का कमर में जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से लिया है। तो चलिए यहाँ से स्लीव काट करूँगी। इसमें देखिए टोटल 7 इंच तक है फेब्रिक और यहाँ से 3.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ पर देखिए स्लिप का राउंड जितना इंच तक है उसी के हिसाब से रखूँगी और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक लिया है और यहाँ से देखिए चाहे तो इसको 4 इंच तक भी रख सकती हो। अगर बाद में थोड़ा कमाना है तो कमा भी सकती हो। तो चलिए इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए दूसरा स्लिप भी कटिंग यहाँ पर पूरा पूरी कंप्लीट है। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लिप को अलग अलग से काट किया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक कम है, इसी का कारण मैंने यहाँ पर अलग अलग काट करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फैब्रिक में 32 साइज ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स इसका सिलाई का वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।